चरणों को प्रणाम। आज हम फिरकनी बनाना सीखेंगे। पहले हम छोटे थे जब फिरकनी बनाकर चलाते थे। ये मेरे पास इस तरीके की फिरकनी है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने फिरकनी बनाई है। जब हम इसको लेकर दौड़ते थे तो ये बहुत तेज चलती थी, तो बहुत मजा आता था। तो इस तरह से हम कई तरह की फिरकनी बनाना सीखेंगे। आज मैं आपको फिरकनी बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें एक इस तरीके का कागज चाहिए होता है। ये मेरे पास 15x15 का कागज है। इसको लेंगे हम, चौकोर कागज है ये हमारे पास में। इसको चौकोर कर दिया है हमने। अब इसके निशान बनाने के लिए हमें यहाँ से इसको ट्राइंगल शेप में मोड़ना पड़ेगा। ये हमने इसको मोड़ दिया है। अब इसको मोड़ दिया हमने, अब एक तरफ से ये मुड़ चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इसको मोड़ेंगे। ये मुड़ चुका है, इसको एक बार हम और ट्राइंगल शेप देंगे। ये हमारा ट्राइंगल शेप आ चुका है। अब हम इसको खोलेंगे। इसके चार कॉर्नर निशान बन चुके हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हम एक कैंची लेंगे। कैंची की सहायता से हम इसको यहाँ से जहाँ हमारे निशान बने हैं वहाँ तक काटेंगे, लेकिन बीच में हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। ये देखिए, ये किनारे किनारे निशान बने हुए हैं, वहाँ पर हम इसको काट रहे हैं। बस इतना सा हम इसको काट के छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे कोने को भी काटेंगे। ये कट चुका है। इसी तरीके से हम तीसरा कोना भी काटेंगे, ये भी कट चुका है। और ये चौथा कोना है, हम इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास ये चार कागज के कोने इकट्ठे हो गए हैं। अब हम इसको गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं, या हम चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा जो हमने जगह छोड़ी हुई है यहाँ पर, हम यहाँ पर गोंद लगाएंगे हल्का सा। ये हमने गोंद लगा दिया है। इसका ये एक किनारा है, इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम यहाँ पर चिपका देंगे। ये हमने चिपका दिया है। इसी तरीके से अब ये दूसरा इधर का कोना छोड़ेंगे और इधर के कोने को चिपकाएंगे हम। ये देखिए, दूसरा कोना चिपक चुका है। तीसरे कोने पे भी हम गोंद लगाएंगे। और ये चौथे कोने पे भी हम गोंद लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारी फिरकनी की डिजाइन बन चुकी है। अब हम इसके लिए हमने ये दो छोटे छोटे सर्किल काटे हुए रखे, काट के रख रखे हैं। हम इसमें एक आलपिन लेंगे। ये आलपिन है हमारे पास में और एक ये हमारे पास में। अब इसको चाहे तो हम इसके ऊपर ये इस सर्किल को भी हम चिपका सकते हैं, क्योंकि खुलेगा नहीं ये हमारा। ये सर्किल है, इस सर्किल के ऊपर हमने ये ऐसे चिपका दिया गोंद लगा के। ये देखिए, ये भी गीला है इसलिए थोड़ा सा टाइम इसको लगेगा। ये हम इसको थोड़ा सा दबाकर करेंगे तो ये चिपक जाएगा। देखिए, हमारी फिरकनी बनकर तैयार है। अब हम एक डंडी लेंगे। ये गीला है इसलिए अभी खुल रहा है, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से चिपका देंगे दोबारा से। ये देखिए, ये चिपक कर तैयार है। ये हमारी फिरकनी बन चुकी है। अब हम एक आलपिन लेंगे और आलपिन से इसमें छेद करेंगे। ये देखिए, ये हमने सारे कोने दबा दिए हैं, ये सर्किल पे कर दिया है हमने। ये देखिए, ये हमारी फिरकनी बनकर तैयार है। हम एक इस तरीके की डंडी लेंगे। ये हमारे पास डंडी है, इस डंडी में हम इसको आड़ा लगाएंगे। ये देखिए, पीछे से निकल चुका है। ये देखिए, और ये हमारे पास डंडी है, इसमें हम इस डंडी को आड़ा पकड़ेंगे और ये हमने इसमें लगा दी है। ये देखिए, हमारी फिरकनी तैयार है। देखिए कितनी अच्छी फिरकनी बनी है हमारी। अभी हवा चलेगी, जब ये अच्छे से चलती है, जब हम इसको लेकर दौड़ते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जब हम चलेंगे तो ये जोर से हवा के साथ चलेगी। एक फिरकनी ये है हमारे पास, एक फिरकनी हमारे पास दूसरी तरीके की है।
जो हमने ये वाली फिरकनी बनाई है, ये देखिए, ये दो कलर के कागज से बनाई गई है। ये कागज, दो तरह का कागज लिया है हमने। ये हमने 10 बाय 10 के या 8 बाय 8 के कागज लिए हैं। अब हम इसको ट्राइंगल शेप में देंगे ऐसे। ये हमने इसको ट्राइंगल शेप में रख दिया है। अब हम इसको कैंची की सहायता से काट लेंगे। ये हमारा निशान है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, यानी कि दोनों हिस्से हम इसके अलग कर देंगे। ये देखिए, इसके कट चुके हैं। अब ये हमारे पास दूसरा हिस्सा है, कलर का कागज है। अब हम इस कागज के कलर से भी इसको काटेंगे। देखिए हम कैसे काटेंगे, ये निशान बना हुआ है, इसके इधर से ही हम इसको काटेंगे। इसके दोनों हिस्से हम अलग कर देंगे। ये हमारे पास 4 पीस हो चुके हैं, 4 टुकड़े आ गए हैं। अब हम ऐसे ही एक सर्किल बड़ा लेंगे। अब हम इस पे गोंद लगाएंगे। ये हमने गोंद लगा दिया है। ये जिधर से ट्राइंगल शेप का हिस्सा है, हम इसको चिपका देंगे ये बीच में से। फिर एक कलर दूसरा लेंगे, दूसरे को भी हम चिपका देंगे। फिर तीसरा लेंगे, तीसरे कलर का कागज लेंगे, इसको भी हम चिपका देंगे। फिर हम चौथे तरफ का कलर का कागज लेंगे, ये हम इसको भी चिपका देंगे। ये हमारे चिपक गए हैं। अब हम इसको वापस से जैसे हमने पहले करा था, एक कोना इधर से पकड़ेंगे, एक कोना इधर से पकड़ेंगे, एक कोना इधर से पकड़ेंगे और एक कोना इधर से पकड़ेंगे। अब हम एक साथ ना चिपका के भी हम इसको एक साथ रख सकते हैं। और ये यहाँ पर हम ये देखिए, अब हम इस पर छोटा सर्किल का लगा देंगे, गोंद लगाएंगे छोटे सर्किल पर भी। और इनके ऊपर लगा देंगे। हम चाहें तो एक हमारे पास ये पिन है, इस पिन में हम ये डिजाइन के मोती भी लगा सकते हैं। कुछ भी हमारे पास जो भी साधन हो, हम उसको सुंदर बना सकते हैं। ये हमने इसमें ये पिन में मोती लगा दिया है और इसको ये ऐसे कर दिया है। अब हम इसमें छेद कर देंगे। ये देखिए, पीछे से भी हमारी बहुत सुंदर है। ये देखिए कितनी अच्छी फिरकनी बनी है। अब हम इसको, ये हमने कागज की डंडी बनाई है, इस डंडी से हम इसमें इसको लगा देंगे। हमारे पास डंडी नहीं है तो हम कागज की डंडी से भी इसको बनाकर इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, अब हम ऐसे ही इसको तोड़कर आएंगे तो ये देखिए, अब ये हल्की चल रही है। फिर हम वहां से आएंगे तो ये देखिए, ये हमारी फिरकनी है। इस तरीके से हम कई तरह की फिरकनियां बना सकते हैं। बाहर जाकर चलाएंगे हवा में तो ये बहुत अच्छे से चलेगी। ये हमने कई तरह की फिरकनियां बनाई हैं। आप भी फिरकनी बनाएं और हवा में चलाएंगे, दौड़ेंगे जब ज्यादा मजे आएंगे। धन्यवाद।